Hello everyone, welcome to the session and I'm hoping that you are preparing well for CAT. So today we are going to discuss CAT 22 log question. So in 2020, the three slot was introduced. So in slot 2, there was two log question. In slot 2, one log question. And in slot 3, two log question. So let's see the difficulty level of the question, whether it was easy or difficult. So this is our first question. Slot 1 ka hai ye. Log 5 to the base 4, log y to the base 4, log root 5 to the base 6, then y equal to. Ye round 1 question hai. Easy question hai. Log ke is type ke question easy hote hai. Kyun easy hote hai? Kyunki maine jo 4 things bataya hai, ki pehla kya karna hai? Break karna hai. Kuch na samajh mein hai, break karna hai. तो हम ब्रेक करते हैं इसको, देखते हैं फिर क्या आता है. तो log 5 by log 4 equal to log y by log 4 log root 5. ये root 5 है, सो इसको हम 5 to the power 1 by 2 लिख सकते हैं. 5 to the power 1 by 2 divided by log 6. log 4, log 4 cancel out, log 5, अच्छा, one second, ये एक step और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो we got log 5 equal to log y, power में है, so multiple में हो जाएगा, log property, I hope you know, log 6, log 5 get cancel, so we have right now log y equal to 2 log 6. I hope clear है. ये जैसे ये पूरा term हो जाएगा 1 by 2 log 6. अब इसको इधर multiply कर दिया. So ये मेरा ये आ गया. So we have log y equal to log 6 square लिख सकते हैं. यहाँ पे जो property लगाते हैं इसका reverse property यहाँ पे. So y equal to equate कर दो. Log log y equal to 6 square means 36. तो देखो y equal to 36 is answer. इजी क्वेश्चन था, राउंड 1 क्वेश्चन, बस 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला था. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. y इज अ नेगेटिव नंबर. यहां देखो y एक नेगेटिव नंबर है. ऑलरेडी क्वेश्चन हमको बता दिया है कि y एक नेगेटिव नंबर है. सच दैट y 2 टू द पावर y स्क्वायर log 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर log 3 टू द बेस 2. ओके, ठीक है. ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये भी राउंड 1 क्वेश्चन हो सकता है और है आई थिंक, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि यहां स्वैप प्रॉपर्टी का यूज होगा. ये स्वैप प्रॉपर्टी का मुझे कैसे क्लिक हुआ कि देखो यहां पे ये बेस में 5 है, ये 5 5 टू द पावर log 3 2. तो देखो यहां पे 2 है और ये यहां पे 5 है, तो स्वैप प्रॉपर्टी में ये होता है ना, ये दोनों चेंज हो जाता है स्वैप प्रॉपर्टी में. तो यहां से मुझे क्लिक हुआ. अब देखो क्या है, मैं पूरा एक बार अच्छे से इसको लिख दे रहा हूं, यहां पे कंफ्यूजन ना हो रहा हो आपको. उसके लिए मैं लिख, ये है ऐसे log y स्क्वायर log 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 5 log 2 3 टू द बेस 2. अब स्वैप प्रॉपर्टी लगाते हैं यहां पे, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा. सो वी हैव राइट नाउ 5 y स्क्वायर log 2 to the base 3 equal to 5 log 3 to the base 2. 5 5, so ye upper ye jo power term hai dono equate ho jayega. So y square log 2 to the base 3 equal to log 3 to the base 2. So y square into 1 by log 2 to the base 3 likh sakte hain. I hope aapko pata hoga ye कि हम 1 by करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, ये जो बेस है वो यहां पे आ जाएगा और ये वाला बेस में आ जाएगा. बेसिक है, मतलब मैं बता देता हूं कैसे. log 2 by log 3, ठीक है, ये हो गया मेरा. इसको मैं ब्रेक किया, तो अब देखो इसको मैं इधर कैसे करूं. अगर इसको मैं 1 से डिवाइड किया तो क्या होगा, ये log 3 by log 2 1 by. अगर इसको मैं यहां पे ले गया तो वही होगा ना, बस लिखने का तरीका है कि इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया. सो राइट 3 2. ओके, सो वी हैव
वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई जो है एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे वाई का दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कितना, एक वाई 3 टू द बेस 2, एक माइनस लॉग 3 टू द बेस 2। अब ये कैसे, ये प्लस और ये माइनस कैसे पॉजिटिव पॉसिबल हुआ, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, मतलब वाई का वैल्यू अगर मैं 2 भी रखा तो 2 स्क्वायर 4 ही होगा, वाई का वैल्यू माइनस 2 रखा तो इसका स्क्वायर 4 ही होगा, सिंपल इसी वे से ये भी हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है कि वाई एक नेगेटिव नंबर है, तो ये तो पॉसिबल होने से रहा नहीं, मेरा वाई इक्वल टू आया माइनस लॉग 2 टू द 3 टू द बेस 2। ऑप्शन है कुछ, माइनस ये 1/3 1/5, अच्छा ओके, सो एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, लॉग 2 3 टू द पावर -1 हो सकता है, ये -1 समझ लो, यहाँ पे प्रोडक्ट में पावर में लेके आ सकते हैं यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो जाएगा मेरा लॉग 2 1/3, क्लियर है, -1 को 1/3 हम लिख सकते हैं, तो मेरा अब ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये, सो ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक प्रॉपर्टी का यूज था स्वैप प्रॉपर्टी, और बस यहाँ पे एक पॉइंट समझना था कि हम प्लस माइनस जो ऑलरेडी बोल दिया है वाई एक नेगेटिव नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, अगर कुछ प्रॉब्लम है देन डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लॉग ए बाई बी टू द बेस ए प्लस बी बाई ए टू द बेस बी फॉर ए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू बी कैन नॉट बी इक्वल टू। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे भी जब भी कभी कैन नॉट बी इक्वल टू या मैक्सिमम, तो वहां पे ना एक बात ध्यान में रखना कि जो ऑप्शन होगा ना, देखो ऑप्शन या तो क्या होगा मैक्सिमम वाला होगा या मिनिमम वाला होगा, ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा और कोई होने वाला नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब भी कैन नॉट बी और इक्वल टू होता है ना, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम पे ही ऑप्शन मतलब एग्जामिनर सेट करता है, और बीच का जो वैल्यू रहता है ना वो सेटिस्फाई करता है। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा आपको, और मतलब बार बार जैसे मॉक में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे जैसे करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम टाइम ना 99% वैसे ही होता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू आंसर होगा या मिनिमम वैल्यू आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो मैंने क्या बोला है कि ब्रेक करना, लॉग में ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ ना समझ में आए ब्रेक करते हैं। तो वी हैव लॉग ए बाई बी टू द बेस ए प्लस, अच्छा इसको मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन को, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ए बाई बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस ए माइनस लॉग बी टू द ए, आई होप क्लियर है ये, लॉग बी टू द बेस बी माइनस लॉग बी टू द बेस ए टू द बेस बी। ओके, अब देखो ये लॉग ए बाई लॉग ए टू द बेस ए 1 हो गया, 1 माइनस लॉग बी बेस ए प्लस ये भी 1 हो गया, बी टू द बेस बी 1 माइनस लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, ऐड करते हैं दोनों, तो 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं ये दोनों टर्म में, लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग ए टू द बेस बी। अब ये दोनों देखो रेसिप्रोकल है अपने आप में, दोनों देखना ये बी यहाँ बी ए रेसिप्रोकल है, ये देख कर समझ में आना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि जो लॉग बी टू द बेस ए है वो मैंने वैल्यू ले लिया एक्स, ओके, सो क्या अब मेरा आ गया 2/x + 1/x, रेसिप्रोकल है दोनों। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ ये जो टर्म है इसका कैन नॉट बी इक्वल टू, और ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, और ए ग्रेटर देन 1 और ए का वैल्यू लेस देन
इक्वल टू बी है, ठीक है, और कैन नॉट बी इक्वल टू है, मतलब इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैन नॉट बी इक्वल टू, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम, पता होना चाहिए आपको, एक्स प्लस वन बाई एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स का रूट, ये कैंसिल हुआ, रूट अंडर वन वन हो गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो जो टर्म है एक्स प्लस वन बाई एक्स इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू, सॉरी ये मिनिमम होगा ना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू और टू हो गया। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, सो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर मैं टू माइनस टू रख दूं क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू टू है, तो ये कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, अब कुछ और रखते हैं, जैसे जीरो तो नहीं हो सकता आंसर, जीरो कैंसिल आउट हो गया, टू माइनस इससे आगे क्या लग सकते हैं, थ्री या 2.1, 2.2, 2.3 रखते हैं, माइनस वन, तो माइनस वन भी मेरा खत्म हो गया ऑप्शन। अब देखो यहाँ का सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जीरो आया, इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू जीरो आया, उसके बाद नेगेटिव में चलते आ रहा है, मतलब वन तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही जो एक्सप्रेशन है उसका जीरो आया है मैक्सिमम वैल्यू, तो वन तो कैन नॉट बी पॉसिबल, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया ऑप्शन आंसर। देखा मैंने बोला था ना कि बी और डी में से ही कोई होगा, जो बी आंसर आ गया, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो टू होगा, और इस सिंगल टर्म पे कैट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जैसे ए प्लस वन बाई ए इसका मिनिमम वैल्यू मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, लॉग 30 बेस a इक्वल टू कैपिटल ए 5/3 बेस से माइनस बी, लॉग ए बेस टू 1/3, देन लॉग ए टू द बेस थ्री इक्वल टू, ओके 2/a+b, a+b, 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 अच्छा ठीक है, देखो इसका मैं दो अप्रोच मुझे क्लिक हो रहा है अभी, एक तो फर्स्ट अप्रोच ये हो रहा है कि जो ऑप्शन में a+b, 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 a+b है, मैं a+b का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करूं, और यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू मिल जाना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे मैं उस वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, देन मैं इक्वी ऑप्शन से सेटिस्फाई करने का ट्राई करूंगा, एक अप्रोच ये दिख रहा है, दूसरा अप्रोच ये दिख रहा है कि इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ, कुछ इक्वेशन बनेगा, फिर वहाँ पे कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कुछ करके तब इसका वैल्यू आएगा, तो मुझे ये वाला मेथड ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा क्या नहीं, वो चेक एंड मतलब ट्रायल एंड एरर मुझे लगता है करना पड़ेगा, तो पहला अप्रोच देखते हैं, और इस पे मुझे लगता है जल्दी क्वेश्चन बन भी जाएगा, क्यों ये क्लिक हुआ, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे a+b, 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 a+b है, तो हम a+b निकालते हैं, a+b, ठीक है, तो वी हैव ए का वैल्यू log a 30, देखो यहाँ माइनस भी है, मतलब कहने का सेंस यह है कि ये माइनस हुआ तब तो जाके प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस log 5/3 a+b इक्वल टू ब्रेक कर सकते हैं क्या, अच्छा ये तो डिवाइड हो जाएगा, बेस इक्वल है तो 30 / 5/3 टू द बेस ए, ये हो गया 6, तो वी गॉट लॉग 18 टू द बेस a+b का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करते हैं, अब देखो एक मेरा जो टर्म है लॉग ए टू द बेस 2 इक्वल टू 1/3, तो ए इक्वल टू मेरा क्या होगा 2 का पावर 1/3,
है। अब उनको फाइंड आउट क्या करना है, लॉग थ्री ए, तो वी हैव ए का वैल्यू 2 का पावर 1/3, थ्री सॉरी वन सेकेंड, लॉग थ्री ए का पावर वैल्यू 2 1/3, 1/3 लॉग 2 टू द बेस 3, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ लॉग ए टू द बेस 3 का 1/3 लॉग 2 टू द बेस 3। ठीक है, अब हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ए का वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि ए का वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो वी गॉट लॉग 18 टू 1/3, और ये 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/3 लॉग, इसको और मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 9 प्लस लॉग 2, और ये हो गया मेरा 2 2। ठीक है, क्लियर है ये, इसको ब्रेक किया तो 9 इंटू 2 18, 3 इंटू log 9 to the base 2 प्लस ये 2 2, तो 1 हो गया ये, तो अब मेरा है log 2 2, इसका 3 स्क्वायर, अभी हम यहाँ 3 स्क्वायर करते हैं इसको, 3 स्क्वायर, तो यहाँ 2 हो जाएगा ये मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा 6, 3 प्लस 3, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का 6 log 3 to the base 2 plus 3। अब ऑप्शन से चेक ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन रखते हैं 2 डिवाइडेड बाई, ए प्लस बी क्या है, 6 log 3 2 plus 3 minus 3, ओके 3 3 कैंसिल आउट, 2 3, वी हैव 1/3 log 3 to the base 2, एंड वी हैव log 2 to the base 3, 3। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर गया, ये देखो रेसिप्रोकल है ये, इसको हम ये पूरे टर्म को हम log 2 to the base 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया मेरा, 1/3 log 2 to the base 3, तो आवर आंसर इज फर्स्ट। देखो ये कितना मतलब डायरेक्ट वे में, और फॉर्चुनेटली फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, सो नो नीड टू चेक बी एंड सी डी सब। इसमें हो सकता था कि आप फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई ना करे, बी सी डी आके सेटिस्फाई करे, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सो डेट मैं आपको बोल भी रहा हूँ, अदरवाइज ये ज्यादा नहीं लेगा, 2 मिनट मैक्सिमम बहुत है, 2 से 2.5 मिनट। ये राउंड 1 क्वेश्चन नहीं मैं बोल सकता, ये राउंड 2 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन है मतलब, तो ये राउंड 2 क्वेश्चन है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ होगा आप एक बार वीडियो देखना, फिर खुद से सॉल्व करना, अगर फिर ना सॉल्व हुआ हो फिर अगेन वीडियो देखना, इसका सॉल्यूशन देखना, देन आपको एक दो बार जब देख लोगे, खुद से सॉल्व कर लोगे, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सो दिस इज राउंड 1 क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब कैसे इजी है, सॉल्व करके देखते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। देखो इजी इसलिए मैं बोला ना कि देखो 2 4 4 8 8 16, ये देखो 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 का पावर 4, ये सारे कैंसिल आउट हो जाने हैं। कैसे देखते हैं, log 2 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू log 2 का स्क्वायर 2 क्यूब इंटू क्यूब log 2 का क्यूब 2 का पावर 4 का पावर 4। क्लियर है, ये कुछ नहीं किया, बस ब्रेक किया टर्म को 2 के पावर में, दिस इज 2, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 log 2 2, इसको मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना, ये हो गया मेरा 3/2 log 2 to the base 2 का क्यूब इंटू
लॉग, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 लॉग 2 का पावर 4, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो वी हैव 2 × 4 × 8 × 16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 × 8 × 4 का 64, 4 का 64 ही होगा ना, 4 4 16 नहीं 256 होगा, 256, और ये हो गया 81। कैंसिल आउट कुछ होगा, ये देखो 4 2 जा 27, 3 जा 5 2 7, यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा, 128, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल होगा कुछ, ये हो जाएगा 16 8 जा 128, 8 8 कैंसल, तो वी हैव 2 × 4 1/3, मतलब 2 × 4 × 3, तो 4 12 24, 24 इज द राइट आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी वन, राउंड वन क्वेश्चन, 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 के सॉल्यूशन के साथ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।